तीन मानक हिंदी व्याकरण पाठ तीन। बच्चों, आपके आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनका कोई न कोई नाम है। नाम से ही उनकी पहचान होती है, अतः नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अपने पढ़ने के कमरे में गौर से देखें, आपको बहुत सी वस्तुएं दिखाई देंगी। इन सभी का कुछ न कुछ नाम है। नाम से ही इनकी पहचान होती है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभिषेक, साहिल, राहुल बच्चों के नाम हैं। पंखा, कुर्सी, मेज, घड़ी वस्तुओं के नाम। विद्यालय, घर, आंगन स्थानों के नाम। आइए नामों के बारे में और जानें। व्यक्तियों के नाम, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। स्थानों के नाम, स्कूल, बाजार, खेल का मैदान। वस्तुओं के नाम, पंखा, मेज, कार। भावों के नाम, स्नेह, बुढ़ापा, सुंदरता। हमने देखा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम होते हैं, इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। कुछ शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राहुल, साहिल, रामायण, दिल्ली आदि। कुछ शब्द व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, कुर्सी, कुत्ता, नदी, गाय आदि। कुछ शब्द मन के भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे खुशी, क्रोध, दुख, बुढ़ापा, भलाई आदि। आइए देखें हमने क्या सीखा। नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उनके उसमें से पांच नाम ढूंढकर लिखिए। ये पूरा चित्र को देखो और ढूंढकर नाम लिखो। लड़का, लड़की, गुब्बारा, खिलौना, दुकान। अपने पांच मित्रों के नाम लिखिए, श्याम, मोहन, राधे, सूरज, सर्वेश। अपने मन से आप नाम अपने मित्रों को लिखिए। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये लड़की है, यहाँ लड़की है। ये गाय है, यहाँ गाय लिख दिया। ये मकान है, मकान लिख दिया। ये छाता है, छाता लिख दिया। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। क, ये आप शब्द पढ़ लीजिए और यहाँ भरिए। क, किसान हल चला रहा है। ख में ताजमहल, ग में बच्चे, घ में मोर, अंग में राजा हरिचंद अपनी सच्चाई के लिए। यहाँ सच्चाई भरिए, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भरिए। बस, और आप पढ़ें और याद करें। जो नहीं आता है समझ में, वो संपर्क करें आप।